सभी भैयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से आमिर पठान, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन, दो दांत, शानदार प्योरिटी वाली, बिल्कुल उंगली से भी छोटा सींग वाली गौ माता। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में दो ही दांत है, दांत आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है, बहुत ही शानदार मुटिया थन है, देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से, बहुत ही गजब के थन है इसके, चारों थन बराबर है, बहुत ही टॉप की एडर क्वालिटी है, खानों में बहुत ही अच्छा घुमाव है, शानदार गल कंबल है, एडर की टॉप क्वालिटी रॉक, टॉप क्वालिटी की एडर है, और उंगली से भी छोटा सींग है, और कान बहुत लंबे लंबे, स्वभाव में बिल्कुल शांत है, बहुत ही खूबसूरत गौमाता है फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन के अंदर। और ये इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की मिल्क कैपेसिटी जो क्षमता है वो 14 से 15 लीटर की है। आप नाभि और गलकंबल भी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत नाभि, कितना खूबसूरत गलकंबल, और स्वभाव में बिल्कुल शांत। तो एक गाय परचेस करने वाले को क्या चाहिए, प्योरिटी और सींग छोटा, थनों में गेप, नई उम्र, शुरू से लेकर एंड तक आप ही यूज़ करो, लॉन्ग टाइम तक मिल्किंग करवाती रहे, प्योरिटी कैरेक्टर्स, ये जो चीज़ चाहिए हर जो गाय लेने वाला देखता है कि नया धन लूँ, तो ये बिल्कुल नया धन है। और आप लोगों के लिए सेल पे अवेलेबल है। गलकंबल देखो आप, कितनी गजब की गलकंबल है, और लोग कहते हैं कि गिर का सींग कानों की तरफ होना चाहिए, और हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कान के चिपकावा, सींग कानों की तरफ नहीं, बिल्कुल चिपकावा, शानदार प्योरिटी के अंदर। और अभी देखो आप आँखों में पानी, देखो आप आंखों में पानी, देखो आप गौ माता के रोग रहे आंखों में पानी, और एडर देखो आप कितनी फिटिंग वाली एडर है, फिटिंग वाली एडर है, हम्प देखो, पुट्ठा बिल्कुल बराबर है। जो भी व्यक्ति गाय खरीदना चाहता है और जो कैरेक्टर्स के बारे में समझता है, तो ऑल राइट कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स गिर की प्योरिटी वाले हैं, ठीक है। ऊपर से कमर चौड़ी है, गलकंबल बहुत अच्छा है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात नई उम्र है। दांत आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, दांत भी दिखाऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से, और सबसे अच्छी बात शांत शांत स्वभाव में है। और आपको भाई दिखा रहा है बार बार, देखो मैं नहीं बोल रहा था, वो दिखा रहा है कि एडर कितनी लंबी है और सल बाकी है अभी डिलीवरी में, देखो कितने सल बाकी हैं अभी डिलीवरी में, अभी एडर और बढ़नी है, दो तीन दिन के समय के अंदर एडर और शानदार बढ़नी है इसकी, ठीक है, और अच्छी एडर भरेगी, एडर भर के ही दूध देगी। और हम जो आपको क्षमता बता रहे हैं वो इसकी क्षमता से भी कम बता रहे हैं, जो दूध की क्षमता मैं 14-15 लीटर बता रहा हूँ वो इसकी क्षमता से कम बता रहा हूँ, कि कहीं भी जाके बात खराब ना हो, ठीक है। रोक कक्कू, देखो उंगली भी बड़ी है और सींग छोटा है, देखो आप, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो वापस रख, ये देखो उंगली भी बड़ी है, सींग इतना छोटा है, देखो, ठीक है, और आंखों में सुरमे की तरह, और दांत भी दिखाते हैं आपको, एक सेकंड में वीडियो रोक देता हूं। ये देखिए सर, ये दांतों में दो ही है, दांत बिल्कुल क्लियर देखिए, और गाय भी दिखा देता हूँ, वही वाली गाय है ये, देखो, ठीक है, दांतों में दो है, आपके घर तक की गारंटी है अपनी, ठीक है, बिल्कुल दो ही दांतों के अंदर है। एडर बहुत टॉप है इसकी, देखो आप एडर का शेप, देखो आप शांत स्वभाव में, बिल्कुल शांत स्वभाव में, और बिल्कुल नाव वाली एडर जो होनी चाहिए, नाव की तरह बिल्कुल वो वाली एडर है, और देख सकते हैं आप एडर की क्वालिटी कितनी टॉप है। देखो आप, मैं नज़दीक से, मैं पहले बहुत दूर से वीडियो बना रहा था, अब मैं आपको नज़दीक आके दिखा रहा हूँ, आप कुछ को लेके सीधा चलियो, बिल्कुल सीधा इधर से रोड की तरफ, इधर से देखो आप, देखो बिल्कुल धीरे धीरे चला, देखो आप एडर देखो इसकी, जो गोप्रेमी हैं, जो गायों में समझने वाले हैं उनके लायक एडर, देखो आप फिटिंग वाली एडर, रोकियो, चला, देखो आप फिटिंग वाली एडर, मेस्टाइटिस, ये बीमारियां जो होती हैं
वो उनमें इसका फिटिंग वाली हेडर में थन ख़राब होना, पेड़ से दबना, ये दिक्कत नहीं आती है। लघुमा देखो आप, अभी सल बाकी है, देखिए आप थनों का खिंचाव देखिए आप,